एबीपी न्यूज प्रस्तुत करता है भारतवर्ष, महानायकों की गौरव गाथा, अनुपम खेर के साथ। मेरे पति अभी संन्यास नहीं ले सकते, ये अभी पराजित नहीं हुए हैं। शास्त्रों में माना गया है कि पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है, और इसीलिए आपको मुझे भी पराजित करना होगा। मुझे पराजित कर ही आप मेरे पति को अपना शिष्य बना सकते हैं। यदि आप मेरे साथ शास्त्रार्थ नहीं करना चाहते तो आप अपनी पराजय स्वीकार लीजिए। इतिहास में शायद ऐसे शास्त्रार्थ, डिबेट या बहस का जिक्र और कहीं नहीं मिलता है। इस शास्त्रार्थ का नतीजा क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि प्रश्न पूछने वाली महिला का नाम उभय भारती था और पशुपेश में पड़े सन्यासी कोई और नहीं, जगत गुरु आदि शंकराचार्य हैं। नमस्कार, मैं अनुपम खेर, भारतवर्ष में आपका स्वागत है। भारतवर्ष के इस एपिसोड में कहानी उस महान सन्यासी की जिनकी लिखी किताबों को हम में से बहुत कम लोगों ने पढ़ा है, जिनके लिखे श्लोक उससे भी कम लोग जानते हैं। लेकिन जब सवाल जीवन और मृत्यु का हो, व्यक्ति और उसके ईश्वर के बीच के संबंधों का हो, उसी सन्यासी के विचार 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के विचार बन जाते हैं। जब एक राजनीतिक भारत की जगह एक आध्यात्मिक भारत की चर्चा होती है तब इसी महामानव की याद आती है। भारतवर्ष में इस बार महागाथा जगत गुरु आदि शंकराचार्य की। यह है आज के भारत का राजनीतिक मानचित्र। लेकिन क्या राजनीतिक सीमाएं ही भारत को बनाती हैं? अब आप एक आध्यात्मिक भारत की रूपरेखा देखिए। उत्तर में हिमालय की गोद में ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारका मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ और पूरब में गोवर्धन मठ। इस आध्यात्मिक भारत के पीछे जिनकी सोच है उन्हें ही जगत गुरु आदि शंकराचार्य कहते हैं। रक्षा के दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक एकता की दृष्टि से, जो है आध्यात्मिक एकता की दृष्टि से, ये सारी चीज है। जब आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो मतलब ऐसे व्यक्ति हो नहीं सकते दूसरे जो इस तरह का चिंतन रखते, और उन्होंने सफल प्रयोग किया। आज से 1200 साल पहले जब भारत राजनीतिक तौर पर ही नहीं बल्कि धार्मिक तौर पर भी बटा था, तब धर्म के नाम पर आडंबर था, कर्मकांड था। जिसे आज हम हिंदू धर्म कहते हैं वो 84 से भी ज्यादा अलग अलग संप्रदायों में बटा था। यहां तक कि बौद्ध धर्म में भी तंत्र मंत्र करने वालों का बोलबाला था। बौद्ध धर्म का जो उस समय स्वरूप है वो हीनयान नहीं है, महायान नहीं है, वो समय है जब वज्रयान आ गया है, यानी तांत्रिक बुद्धिज्म का बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया है, जिसके कारण से समाज में धर्म के नाम से विकृतियां आने लगी हैं। एक तरफ ये दृश्य है, दूसरी तरफ क्या है कि हिंदू धर्म जिसे आप कहते हैं, वैदिक धर्म कहते हैं, उसमें एक मूर्ति पूजा वाले संप्रदाय, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, सूर्य की पूजा करने वाले सौर संप्रदाय, गणपति की पूजा करने वाले गणपत संप्रदाय, शक्ति पूजा वाले शाक्त संप्रदाय, ये आपस में संघर्षशील हैं। इनमें आपस में बहुत ज़्यादा हिंसक घटनाएं हो रही हैं। इन हालात से धर्म को निकालने के लिए जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत की पैदल यात्रा की थी। मकसद था भारत को धार्मिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर एक करना। भारत का शायद ही कोई ऐसा इलाका बचा होगा जहां की यात्रा आदि शंकराचार्य ने नहीं की हो। उन्होंने भारत के हर कोने में अलग अलग धर्म और संप्रदायों के विद्वानों से शास्त्रार्थ किया और धर्म विजय की नींव रखी। इस महान दार्शनिक और धर्म की रक्षा करने वाले आदि शंकराचार्य की जीवन यात्रा शुरू होती है केरल के एर्नाकुलम जिले के काल्टी या कलाडी गांव से। निम्बूदरी पाद ब्राह्मणों के उस गांव में
शिव गुरु नाम के विद्वान रहा करते थे। कहते हैं भगवान शंकर के आशीर्वाद से ही उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने शंकर रखा। आमतौर पर इतिहासकारों की राय यही है कि शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में हुआ था, यानी आज से करीब 1200 साल पहले। कुछ लोग आदि शंकराचार्य का जन्म 2500 साल पहले भी मानते हैं। जन्म से ही शंकर अपनी अद्भुत प्रतिभा से सबको चकित कर रहे थे। कहा जाता है कि वो इतने प्रतिभाशाली थे कि 3 साल की आयु में ही मातृभाषा मलयालम सीख ली, वेदों को पढ़ डाला, धर्म के कठिन प्रश्नों का उत्तर देने लगे। वधोहे को बंधा हुआ कौन है? विषयानुरागी, वासनाओं में जो अनुरक्त होता है वही बंधनग्रस्त है। वासनाओं में जो अनुरक्त है, घोर नरक क्या है? अपना शरीर ही घोर नरक है। अच्छा, आचार्य एक के बाद एक प्रश्न पूछ रहे थे और 3 साल के बालक शंकर उनके हर प्रश्न का उत्तर ऐसे दे रहे थे मानो उन्हें हर शास्त्र का ज्ञान हो। ऐसा तेजस्वी बालक तो मैंने आज तक नहीं देखा। आचार्यगण, ऐसे पुत्र को पाकर हम धन्य हो गए। लेकिन बालक शंकर 3 साल के ही थे तभी पिता शिव गुरु का देहांत हो गया। पिता की मृत्यु इतनी छोटी उम्र में हो गई। अब मां और बेटा ही एक दूसरे का सहारा थे। मां पुत्र के लालन पालन और भविष्य को लेकर चिंतित थी। परंपरा के अनुसार मां ने 5 साल की उम्र में बालक शंकर का उपनयन संस्कार करवाया। इसके बाद बालक शंकर को शिक्षा के लिए आचार्य के पास भेजा गया। यहां एक चमत्कार हुआ। जिन शास्त्रों के अध्ययन में शिष्यों को 20 वर्ष लग जाते थे उसे बालक शंकर ने 2 वर्ष में ही समाप्त कर दिया और वापस मां के पास कलाड़ी लौट आए। बालक शंकर के बारे में जो कहानियां कलाड़ी के साथ साथ पूरी दुनिया में चर्चित हैं उनमें से एक इस पूर्णा नदी से भी जुड़ी हुई है। अब इसे पेरियार नदी कहते हैं। अभी यह नदी कलाड़ी को छूकर निकलती है लेकिन शंकर के समय यह गांव से काफी दूर बहा करती थी और उनकी मां को पानी और स्नान के लिए जाने में काफी दिक्कत होती थी। मां को परेशान देखकर बालक शंकर ने प्रार्थना की और पूर्णा नदी ने धारा बदली। लेकिन मां की चिंता कुछ और ही थी। एक दिन अगस्त ऋषि बालक शंकर के घर पहुंचे। हे देव, मेरे बालक को लंबी आयु का आशीर्वाद दीजिए। ये संभव 8 वर्ष, इसके उपरांत 8 वर्ष अर्थात 16 वर्ष। फिर कुछ कारणवश और 16 वर्ष अर्थात आचार्य। केवल 32 वर्ष? ये आप क्या कह रहे हैं देव? नहीं नहीं तीस वर्ष की आयु में पुत्र के देहांत की बात सुनकर मां कांप उठी। दूसरी तरफ मां की इस चिंता से अलग बालक शंकर कुछ और ही सोच रहे थे। मां? हाँ बेटा। मां, मैं देखता हूं कि लोग जन्म लेते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। इस संसार में कोई सुख नहीं, इसलिए मैं संन्यास लेकर
इन बंधनों से मुक्त होना चाहता हूँ। इतने निष्ठुर ना बनो, मुझसे ऐसे वचन ना कहो बेटा। ये सन्यास लेने का विचार छोड़ दो। पर क्यों माता, इसमें अनुचित क्या है? तुम गृहस्थ बनो, यज्ञ करो, आराधना करो, पूजा करो, उसके बाद सन्यासी बनना। और तुम तो कितने विद्वान हो, कितने शास्त्र पढ़े हैं तुमने। तुम्हें तब भी अपनी माता की बिल्कुल चिंता नहीं? क्या तुम्हें अपनी माँ से कोई प्रेम नहीं? मेरा मन इस संसारिक जीवन में रहना नहीं चाहता, किंतु मेरी माँ मुझे छोड़ना नहीं चाहती। मेरी माँ मेरे हृदय की बात क्यों नहीं समझती? माता की आज्ञा के बिना मैं कैसे सन्यास ग्रहण करूं? माँ ने जब सन्यास लेने की अनुमति नहीं दी, तब शंकर ने एक लीला रच डाली। वो नहाने नदी में गए, किनारे माँ खड़ी थी। अचानक वो डूबने लगे। शंकर चिल्लाए, मुझे बचाओ, मुझे कोई खींच रहा है। पास खड़े एक व्यक्ति ने कहा, अरे उसे तो घड़ियाल खींच ले जा रहा है। ये सुनते ही आर्यम्बा शंकर को बचाने के लिए नदी में उतर गई। पीछे पीछे दूसरे लोग भी भागते रहे, लेकिन शंकर को घड़ियाल खींचता ही जा रहा था। तभी शंकर ने कहा, यदि तुम मुझे सन्यास लेने की आज्ञा दो तो ये घड़ियाल मुझे छोड़ देगा। माँ आश्चर्य से शंकर को देखती है। बालक शंकर ने फिर कहा, कुछ ही क्षण बचे हैं माँ, बोलो माँ। आखिरकार माँ ने उन्हें सन्यास की अनुमति दे दी। While giving permission, अनुमति देने के वक्त बालक शंकर की माँ ने उनसे एक बात कही। उन्होंने कहा कि मेरी एक इच्छा है। तो बालक शंकर ने पूछा कि वो क्या है। तब उनकी माँ बोली कि मेरी मृत्यु के समय तुम ही मेरे पास आना और मेरा अंतिम संस्कार करना। तब बालक शंकर ने कहा कि जब भी आपको मेरी उपस्थिति चाहिए होगी, मैं अवश्य आऊंगा। जिस आयु में बच्चे माँ की ममता के आंचल में पलते बढ़ते हैं, जिन दिनों मासूम बच्चों की दुनिया घर आंगन और गांव तक सिमटी रहती है, उस उम्र में घर परिवार, सखा संबंधी और माँ को छोड़कर बालक शंकर सन्यास के मार्ग पर निकलने वाले थे। इस दृश्य की अब बस कल्पना ही की जा सकती है। घर छोड़ने के बाद शंकर कई दिनों तक घूमते रहे। उन्होंने मार्ग में कई नदी, पर्वत और जंगलों को पार किया। बालक शंकर गुरु की खोज में घर से निकले थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि वो अपने जन्म स्थान केरल के कलाड़ी से निकलकर तुंगभद्रा की ओर मुड़े और फिर इसके बाद श्रृंगेरी से गोकर्ण होते हुए ओंकारेश्वर पहुंचे। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर गुरु श्री गोविंदपाद का आश्रम था। श्री गोविंदपाद अपनी विद्वता, योग बल और ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। गुरु श्री गोविंदपाद आश्रम के पास एक गुफा में समाधि में थे। कौन हो तुम? हे प्रभु, मैं पृथ्वी नहीं हूँ, ना जल हूँ, ना तेज हूँ, ना वायु हूँ, ना आकाश हूँ,
न उनके गुण हो, न इंद्रियां हो, अपितु इन सबसे परे जो परम तत्व है वही मैं हूं। तुम्हारे उत्तर से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे उत्तर से अद्वैत का साक्षात्कार होता है। उन्होंने एक तरीका अपनाया कि अपना परिचय देने के लिए कि मैं जो कुछ भी आप आमतौर में समझते हैं कि वो मैं नहीं हूं। आमतौर में क्या समझते हैं कि शरीर को समझते हैं कि ये गोरा गोरा है तो ये स्वरूप इनका परिचय है, तो कहते हैं कि ये तो शरीर हो गया, मैं नहीं हूं। तो नाम तो मेरा शरीर को रखा है, तो मैं नाम से मेरा परिचय कैसे कराऊं? मैं शरीर से भिन्न हूं, इंद्रिय से भिन्न हूं, अंतःकरण से भिन्न हूं। जो कुछ भी आप दिख रहा है, आपका व्यवहार जिस किसी रूप में हो रहा है, उन सबसे मैं भिन्न हूं। सदा आनंद रूप शिवोहम शिवोहम, न मैं जाति हूं, न धर्म हूं, न महाभूत हूं, न जल हूं, न वायु हूं, न आकाश हूं, मैं शुद्ध चैतन्य मूल तत्व हूं। तो अब ऐसे जो स्टेटमेंट जब आप देखेंगे ना, तो यही आदि शंकराचार्य को और से बहुत ऊपर लेके चला जाता है कि कहते हैं कि हमारा जो मूल स्वरूप है, या हमारा नहीं सबका मूल स्वरूप, या इस सृष्टि के कण कण का मूल स्वरूप जो है, वही एक सत्ता है जो मैं हूं। शंकर 9 साल के थे जब वो श्री गोविंदपाद से मिले। श्री गोविंदपाद ने शंकर को संन्यास की दीक्षा दी और अपना शिष्य बनाया। कहते हैं श्री गोविंदपाद के कहने पर सन्यासी शंकर ने महाभारत में लिखे विष्णु सहस्त्र नाम पर श्लोकों की रचना की, जिससे लोग परमात्मा के 1000 रूपों को समझ सके। विष्णु सहस्त्र नाम की गूंज आज भी सुनाई देती है। तरह तरह की परीक्षा के बाद श्री गोविंदपाद ने ही शंकर को शंकर आचार्य या शंकराचार्य का नाम दिया, यानी जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं उसके सबसे महत्वपूर्ण धर्म गुरु शंकराचार्य की परंपरा की शुरुआत यहीं से हुई। श्री गोविंदपाद ने शंकर को 4 महाकाव्यों में ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया था। तत्वमसि, वह पूर्ण ब्रह्म तू है। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञा रूप उपाधि वाला आत्मा ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म। अयम आत्मा ब्रह्म, यह सर्वानुभव सिद्ध अपरोक्ष आत्मा ब्रह्म है। ब्रह्म जो है वह चरम सत्ता का नाम है, जो अंतिम सत्ता है, जिसे हम सारा जीव और चेतन जगत, जड़ जगत उत्पन्न होता है, उस सत्ता का नाम ब्रह्म है। ब्रह्म कोई भगवान नहीं, कोई देवी देवता नहीं, ब्रह्म जो है वो चरम सत्ता का रूप है, जो अंतिम सत्ता का रूप है, जिससे कि सारा विश्व निकलता है। शंकर 4 वर्षों तक गुरु गोविंद पाद की सेवा में रहे। इस दौरान वो शंकर से आचार्य शंकर बन गए। उन्हें आश्रम के शिष्यों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। वो अब शंकराचार्य नाम से चर्चित हुए। उनकी चर्चा की वजह एक और थी, शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ में सवाल जवाब होते थे, दर्शन और जीवन से जुड़े प्रश्नों पर बहस होती थी। जाहिर है इसमें शामिल होने वाले विद्वानों के लिए ये प्रतिष्ठा की बात होती थी। शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ में बड़े बड़े विद्वानों को निरुत्तर किया। ध्यान रहे, उस वक्त शंकराचार्य की उम्र सिर्फ 12 साल बताई जाती है, लेकिन वो कितने बड़े विद्वान हैं, उसकी असली परीक्षा काशी में ही हो सकती थी। आचार्य शंकर भी कई दिनों की यात्रा के बाद काशी पहुंचे। काशी में कई लोगों ने आचार्य शंकर की प्रेरणा से विधिवत संन्यास ग्रहण किया और उनकी सेवा करने लगे। एक नवयुवक आचार्य के चरणों में वृद्ध और ज्ञानी लोगों को बैठे देखकर लोग चकित रह जाते थे। उस समय बौद्ध सन्यासी परंपरा भी वाराणसी में काफी प्रभावशाली थी। यहां बौद्ध सन्यासियों से भी शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ किया, लेकिन स्वयं आचार्य शंकर के ज्ञान की परीक्षा होनी अभी बाकी थी।
एक दिन काशी में उनका रास्ता रोका गया। रास्ता रोकने वाला शव को जलाने वाला व्यक्ति था। ठहरो, दूर हटो, आचार्य को जाने दो। मैं रास्ते से नहीं हटूंगा, पहले आचार्य शंकर मेरे प्रश्न का उत्तर दें। कैसा प्रश्न? हे महात्मन, आपने कहा दूर हटो, आप किससे दूर हटना चाहते हैं, मेरे शरीर से या मेरे शरीर में विद्यमान आत्मा से? जब हर व्यक्ति का शरीर अन्न से पुष्ट होता है तो आपके और हमारे शरीर में क्या अंतर है? और जब हर शरीर में एक ही आत्मा विराजमान है तो आप में और मुझ में कैसा भेद? तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं और तुम चांडाल हो? आपने मुझसे क्यों कहा कि दूर हटो? अछूत समझे जाने वाले व्यक्ति ने यह सवाल आदि शंकराचार्य से किए। जाति धर्म छोटे बड़े में भेद कैसे हो सकता है जबकि सब में एक ही ईश्वर का अंश मौजूद है? यह दरअसल आदि शंकराचार्य की परीक्षा भी थी। कहा जाता है कि वह शिव ही थे जो ये प्रश्न पूछ रहे थे। आचार्य शंकर ने अनुभव किया कि जीव और परम सत्ता एक ही है, ठीक उसी तरह जैसे गुड़ से उसकी मिठास अलग नहीं है। हे प्राणियों में श्रेष्ठ, अभी आपने जो कुछ कहा वो परम सत्य है। आप आत्मज्ञानी हैं और मैं आपका दास हूं, और इस शरीर और बुद्धि से मैं आपका ही अंश हूं। वैसे ही हम सारे जो लोग हैं, सारे पशु पक्षी जीव जंतु, इवन जो जिसको हम जड़ कहते हैं वेदांत में, उसको भी चेतन माना जाता है। तो वो कहते हैं कि ये जितने हैं सब आकार हैं अलग अलग, लेकिन मूल में एक सत्ता है। यदि उस मूल एक सत्ता को यदि हम ध्यान रखें तो हमारे अंदर कोई राग द्वेष नहीं होता। लेकिन यदि हम ये समझते हैं कि ये ऐसा है, कोई सांवला है, कोई गोरा है, कोई इस जाति का है, कोई इस धर्म का है, तो आपके मन में उसके आधार पर तरह तरह की समस्याएं शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि काशी में चांडाल के रूप में मिले भगवान शिव की प्रेरणा से आचार्य शंकर ने व्यास रचित ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भागवत गीता और उपनिषद को समझने के लिए भाव्य या किताब लिखने का निर्णय किया, ताकि उनके गहरे अर्थों को सरल बनाया जाए और आम जन भी आसानी से इसे समझ सके। ये तीनों ग्रंथ प्रस्थानत्रयी कहलाते हैं। काशी में आचार्य शंकर विद्वान पंडित और शिष्यों से घिरे रहते थे। वो ग्रंथों के रूप में, किताबों के रूप में धरोहर छोड़ना चाहते थे। उन्हें एकांत की जरूरत महसूस होने लगी और तब उन्होंने काशी छोड़कर बद्रीनाथ जाने का फैसला किया। वो अपने कुछ शिष्यों के साथ कई दिनों तक यात्रा करते हुए, दुर्गम पहाड़, नदी नालों को पार करते हुए अलकनंदा के किनारे बद्रीनाथ पहुंचे। कहा जाता है कि बद्रीनाथ में आचार्य शंकर ने अलकनंदा नदी से भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति निकालकर उसे मंदिर में स्थापित किया था। इसके बाद वो बद्रीनाथ के ही व्यास गुफा में रहने लगे। आचार्य शंकर ने व्यास गुफा में रहकर 4 वर्षों तक ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भागवत गीता और उपनिषद पर ग्रंथ या किताबों की रचना की। उन्होंने भगवान गणेश, गंगा, शिव, देवी भगवती जैसे देवी देवताओं की भावपूर्ण प्रार्थनाओं की रचना की। उन्होंने वेदांत संबंधी कई छोटे छोटे आसान ग्रंथ लिखे जो प्रकरण ग्रंथ कहे जाते हैं। इन्हीं में भज गोविंदम भी है। भज गोविंदम को आज भी पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ गाया जाता है। गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति दुःख
कृंकरणे। किसी मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ते हैं, उसमें केवल केवल रस ही रस मिलता है। उसी प्रकार केवल रस, केवल आनंद ही आनंद जिसमें है, उसी प्रकार के गोविंद का भजन करो, वही ही संसार से पार कराने के लिए समर्थ है, और कोई नहीं। आचार्य शंकर 8 साल की उम्र में संन्यास लेकर घर से निकले थे। सुदूर दक्षिण केरल से काशी और काशी से बद्रीनाथ तक की यात्रा में उन्होंने गुरु से शिक्षा ली और शंकर से शंकराचार्य बने। उन्हें जगह जगह प्रशंसा और प्रसिद्धि मिली, लेकिन जिस विचार को वो फैला रहे थे उस पर सवाल अब भी थे। सवाल उठाने वालों में उस समय के प्रकांड विद्वान मंडन मिश्र थे। मंडन मिश्र से शंकराचार्य का शास्त्रार्थ में जो कुछ हुआ उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। मंडन मिश्र अपनी पत्नी के साथ माहिष्मती नगरी में रहते थे। यह जगह भी बिहार के सहरसा जिले का महिषी कस्बा है। मंडन मिश्र कितने बड़े विद्वान थे इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके घर का पालतू तोता भी श्लोक बांचता था। मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती भी अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थी। आचार्य शंकर शास्त्रार्थ के लिए मंडन मिश्र के गांव पहुंचे। मंडन मिश्र से जब वहां वो पहुंचे थे शास्त्रार्थ के लिए, तो उन्होंने पहला शब्द यही बोला था, कुतो दंडी, ये दंडी सन्यासी कहाँ से आ गए, क्योंकि वो गृहस्थ थे और वो कर्मकांड की बात करते थे, ये ज्ञानकांड की बात करते थे। डिबेट का मुख्य विषय यही था, कर्म वर्सेज नॉलेज। आचार्य शंकर और मंडन मिश्र के बीच शास्त्रार्थ शुरू हुआ। तय ये हुआ कि शास्त्रार्थ की मध्यस्थता मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती करेंगी। सर्वप्रथम आप दोनों अपने अपने विषय की स्थापना करें। देवी, आचार्य हमारे विचार जानने हेतु हमारे गांव महिषी आए हैं, इस कारण वे ही पहले अपना मत प्रस्तुत करें। अवश्य। जब उपनिषदों के महावाक्यों से जीव और ब्रह्म की एकता का बोध होता है तो संसार और अज्ञान के सारे प्रपंच समाप्त हो जाते हैं। जीव सच्चिदानंद में लीन हो जाता है, वो जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। उपनिषद इसी का प्रमाण है, यही मेरा सिद्धांत है और यही मेरा विषय। इस शास्त्रार्थ यदि मैं पराजित हुआ तो इस काशे वस्त्र और सन्यास का त्याग कर दूं। मैं वेदों के बाद आए उपनिषदों को प्रमाण नहीं मानता, मैं वेद के कर्मकांड को प्रमाण मानता हूं। दुखों से मुक्ति कर्म से मिलती है, काम से मिलती है, शब्दों से नहीं। शब्दों की शक्ति तो केवल कर्म को प्रकट करने तक ही सीमित होती है। इस कारण मनुष्य को अपनी पूरी आयु कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, यही मेरी प्रतिज्ञा है। यदि शास्त्रार्थ में मैं पराजित हुआ तो मैं गृहस्थ धर्म छोड़कर सन्यासी बन जाऊंगा। इनका मिथिला में जाना और उस समय के जो सबसे बड़े मीमांसा के आचार्य मंडन मिश्र हैं उनसे उनका शास्त्रार्थ होना, क्योंकि वैदिक कर्मकांड के माध्यम से वैदिक परंपरा को सब कुछ समझने का काम मीमांसा दर्शन करता है। तो वो जो धार्मिकता है जिसमें दार्शनिकता नहीं है। आचार्य शंकर और मंडन मिश्र के बीच शास्त्रार्थ शुरू हुआ तो थमने का नाम ही नहीं लिया। 5-6 दिन बीत गए लेकिन आचार्य शंकर और मंडन मिश्र के बीच शास्त्रार्थ नहीं थमा। नियम के मुताबिक केवल नित्य क्रिया कर्म और भोजन के लिए आराम करते थे और फिर
शास्त्रार्थ शुरू हो जाता था। आचार्य, आप कहते हैं कि जीव और ब्रह्म एक है, ये कैसे पता चलेगा? आत्मा और परमात्मा को एक ही कैसे माना जाए? जीव ही ब्रह्म है, ये सिद्धांत कभी सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष ज्ञान किसी को नहीं है और नहीं इसका कोई अनुमान है। हर व्यक्ति का अनुभव है कि ये ईश्वर नहीं है। शिरोमणि, जीव और ब्रह्म एक ही है और इसका स्मरण इंद्रियां अर्थात आंख नाक कान जीभ से नहीं होता, हो भी नहीं सकता। इंद्रियों से तो केवल प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है। इंद्रियों की पहुंच ब्रह्म तक है ही नहीं। परमात्मा ब्रह्म इंद्रियों और बुद्धि से परे है और इसका प्रत्यक्ष अनुमान या ज्ञान कैसे हो सकता है? और इसीलिए आपका प्रश्न ही गलत है। आखिरकार शास्त्रार्थ में आचार्य शंकर के अकाट्य तर्क से मंडन मिश्र निरुत्तर और परेशान होने लगे। अंततः उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। आचार्य, अब तक मैं और मेरे जैसे लोग यही समझते थे कि इस शरीर के अंत के बाद हम दूसरे लोक में जाएंगे, वहां पर तरह तरह के भोग को भोगेंगे और फिर हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये बात अब हंसने योग्य लगती है। आचार्य, अज्ञानतावश और अहंकार में मैंने आपको कई अप्रिय और कटु बातें बोली है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं सन्यास लेकर आपके शरण आना चाहता हूं, आपका शिष्य बनना चाहता हूं। आचार्य मुझे ब्रह्म तत्व का उपदेश कीजिए। सभा सन रह गई। महान विद्वान प्रकांड पंडित मंडन मिश्र निरुत्तर होकर शंकराचार्य के शिष्य बनने को तैयार थे, तभी उभय भारती खड़ी हुई। मेरे पति अभी सन्यास नहीं ले सकते, ये अभी पराजित नहीं हुए हैं। शास्त्रों में माना गया है कि पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है और इसीलिए आपको मुझे भी पराजित करना होगा। मुझे पराजित कर ही आप मेरे पति को अपना शिष्य बना सकते हैं। यदि आप मेरे साथ शास्त्रार्थ नहीं करना चाहते तो आप अपनी पराजय स्वीकार लीजिए। मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती की बात सुनकर सभा में हलचल मच गई। आचार्य शंकर ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उभय भारती अपनी बात पर अटल थी। अंततः आचार्य शंकर उभय भारती से शास्त्रार्थ करने को तैयार हो गए। यदि आपकी इच्छा है तो आप आसन ग्रहण कीजिए। शास्त्रार्थ 17 दिनों तक चलता रहा। उभय भारती को जब लगने लगा कि आचार्य शंकर को पराजित करना असंभव है, तो 18वें दिन उन्होंने आचार्य शंकर के सामने एक बड़ी दुविधा खड़ी कर दी। आचार्य, अब मैं आपसे काम शास्त्र संभोग के संबंध में कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ।
आचार्य, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्त्री और पुरुष के संभोग में कितनी कलाएं होती हैं? इनके अलग अलग मुद्राएं कौन सी होती हैं? पुरुष को आकर्षित करने के लिए, उसे रिझाने के लिए स्त्री कौन कौन सी विधि अपनाती है? शरीर के किन किन अंगों में काम वासना का निवास होता है? किन क्रियाओं से संभोग का प्रारंभ होता है? इसका चरम क्या है? हे देवी, एक सन्यासी से इस प्रकार के प्रश्न क्यों? क्या काम शास्त्र शास्त्र नहीं है? फिर आप तो सर्वज्ञ हैं, जितेंद्रिय हैं, तो बताइए आचार्य, आप काम शास्त्र के प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? देवी, एक सन्यासी से ऐसे प्रश्न करना अनुचित है। इन्होंने अपने बाल्यकाल से ही सन्यास ग्रहण किया हुआ है। एक विरक्त त्यागी सन्यासी काम शास्त्र के बारे में विचार भी कैसे कर सकता है? अगर ये विचार भी करे तो सन्यास धर्म खंडित हो जाएगा। तो फिर ये अपनी पराजय स्वीकार ले। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु उसके लिए मुझे एक माह का समय चाहिए। जैसे आपकी इच्छा। ऐसा ही होगा। आचार्य शंकर सभा छोड़कर जंगल की ओर चले, जहां उन्हें अमरूक नाम के एक राजा का शव दिखाई दिया। राजा अमरूक की शिकार के दौरान मौत हो गई थी। उसी क्षण आचार्य शंकर ने प्रबल योग शक्ति से अपने शरीर का त्याग कर दिया। इसके बाद वो राजा अमरूक के शरीर में प्रवेश कर गए। आदि शंकराचार्य एक महीने तक राजा अमरूक के शरीर में रहे, रानी के साथ रहे। इसी दौरान उन्होंने काम शास्त्र का ज्ञान लिया और चार महीने बाद शंकराचार्य शंकर ने राजा अमरूक के शरीर को छोड़कर वापस अपने शरीर को धारण किया। वो एक बार फिर मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती से शास्त्रार्थ के लिए लौटे। उन्होंने काम शास्त्र से जुड़े सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। असल में आचार्य शंकर का उद्देश्य किसी को शास्त्रार्थ में पराजित करना नहीं था, वो तो वैदिक धर्म दर्शन को आम लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक यात्रा शुरू की। भारत के इतिहास में यह सबसे अद्भुत यात्रा थी, दिग्विजय यात्रा। आचार्य शंकर की दिग्विजय यात्रा कितनी लंबी और हिंदू धर्म के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी, यह समझने के लिए इस मानचित्र को देखिए। इस यात्रा की शुरुआत रामेश्वरम से हुई थी, उत्तर में अलग अलग जगहों से होती हुई कश्मीर तक पहुंची, जहां उन्होंने शारदा पीठ में शास्त्रार्थ किया। पूरब में वो बंगाल और असम गए, वहीं पश्चिम में वो तक्षशिला यानी आज के रावलपिंडी तक पहुंचे, जहां उन्होंने बौद्ध दार्शनिकों से शास्त्रार्थ किया। लगभग उन्होंने 84 संप्रदाय के आचार्यों से शास्त्रार्थ किया था, और शास्त्रार्थ करते समय उनका जो उद्देश्य था वो यह नहीं था कि दूसरे को अपमानित करना है,
उनका उद्देश्य सिर्फ ये था कि जिस विचार तक आप पहुँचे हैं उस विचार से आगे भी विचार है, वह अंतिम विचार नहीं है। और यदि आप उस विचार तक पहुँचे तो आप अपना भी कल्याण कर सकते हैं और समाज को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने जिन आचार्यों से शास्त्रार्थ किया अंत में वे आचार्य इनके शिष्य बन गए। दिग्विजय यात्रा के बाद आचार्य शंकर कुछ शिष्यों को लेकर एक बार फिर बद्रीनाथ के लिए चल दिए। वो उत्तराखंड के जोशीमठ में कुछ दिनों तक रुके। उन्हीं दिनों एक दिन आचार्य शंकर ने शिष्यों को बुलाया। अद्वैत वेदांत मार्ग को लंबे समय तक चलाने के लिए सन्यासी संघ का गठित होना आवश्यक है और इसी के भारत के चारों दिशाओं में मठों की स्थापना होगी। पदमपाद, सुरेश्वर, हस्तामलक और टोटक, मेरे चार प्रमुख शिष्य ही महादीश होंगे और शेष अन्य शिष्य उनके सहायक होंगे। इस तरह आदि शंकराचार्य ने उत्तर में हिमालय की गोद में ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारका मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ और पूरब में गोवर्धन मठ स्थापित किया। हर मठ के एक शंकराचार्य बनाए गए। ये परंपरा आज भी है। उन्होंने चार शंकराचार्य नियुक्त किए। नियुक्त करने का ये आशय था कि भारत को उन्होंने आध्यात्मिक दृष्टि से चार भागों में बांट दिया और एक एक जो मठ के जो आचार्य होंगे वो उस प्रदेश के जो लोग हैं उसके आध्यात्मिक उत्थान के लिए कार्य करेंगे और इस तरह से पूरे देश के लोग आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत होंगे। शंकराचार्य ने इन चार मठों से 10 संप्रदायों को जोड़ा। ये दशनामी सन्यासी संप्रदाय कहलाते हैं। दशनामी संप्रदाय के अखाड़े होते हैं। हर अखाड़े के प्रधान महामंडलेश्वर कहलाते हैं। इस तरह से शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक व्यवस्था तय कर दी। आचार्य शंकर की आयु 32 वर्ष होने वाली थी। वो केदारनाथ में रहकर अधिकतर समय समाधि में मग्न रहने लगे थे। उन्होंने अपने शरीर पर ध्यान देना भी कम कर दिया था। उनकी स्थिति देखकर शिष्यों को चिंता होने लगी थी। वो समाधि भूमि से नीचे उतरना ही नहीं चाहते थे। ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या, जीवो ब्रहेव नापरा, ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है, जीव ही ब्रह्म है और जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं। क्या कोई घड़ा मिट्टी से अलग हो सकता है? ये जगत भी इस मिट्टी के घड़े की तरह है। कोई ब्रह्म से अलग नहीं, हर जीव ब्रह्म है। अब मुझे स्पष्ट अनुभव हो रहा है कि मेरे इस शरीर के समस्त कार्य समाप्त हो गए। अब स्वरूप में लीन होने का समय आ गया है। आचार्य शंकर मौन हो गए, वो ध्यान में चले गए। कहा जाता है कि इसके बाद जगत गुरु शंकराचार्य केदारनाथ में ही अंतर ध्यान हो गए। जीव जैसे हम और आप, ब्रह्म मतलब ईश्वर, दोनों एक,
फर्क नहीं है, सवाल तलाशने भर का है। ये बात हमारी सोच का हिस्सा है। दूसरी बात, राजनैतिक तौर पर भारत का एक नक्शा हमें दिखाई देता है, वहीं आध्यात्मिक तौर पर भी एक भारत की सोच शंकराचार्य की। पूरब में पूरी मठ, पश्चिम में द्वारका पीठ, उत्तर में जोशी मठ और दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ की स्थापना इसी बात का एक उदाहरण है। भारतवर्ष में इस हफ्ते इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते एक और महागाथा के साथ। भारतवर्ष के अगले एपिसोड में देखिए योगिता, ये क्या किया तूने? सैनिकों पकड़ो इस दुष्ट को। भारतवर्ष, महानायकों की गौरव गाथा, अनुपम खेर के साथ।